हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29 अक्टूबर, ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि 29 अक्टूबर, ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर, ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 27 नवंबर, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी 30 नवंबर। जो आवेदन शुल्क होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए ₹750, EWS के लिए ₹450, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ₹750, अनुसूचित जाति के लिए ₹450, अनुसूचित जनजाति के लिए ₹250। सीटों का ब्यौरा कुछ इस तरीके से है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग शिक्षक बालक वर्ग के लिए हिंदी में 1742, गणित में 1822, गृह विज्ञान में 611, उर्दू में 65, इंग्लिश में 1587, कला में 710, समाज विज्ञान में 1392, सिलाई में 19, संस्कृत में 938, विज्ञान में 1741, वाणिज्य में 127, कृषि में 184, शारीरिक शिक्षा में 497, संगीत वादन में 6, संगीत गायन में 10 सीटें वैकेंट हैं। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग के लिए हिंदी में 214 सीटें, गणित में 167, गृह विज्ञान में 160, उर्दू में 12, इंग्लिश में 196, कला में 103, समाज विज्ञान में 186, सिलाई में 4, संस्कृत में 97, विज्ञान में 202, वाणिज्य में 8, कृषि में 1, शारीरिक शिक्षा में 48, संगीत वादन में 14 और संगीत गायन में 50। प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु जो अर्हताएं हैं, शैक्षिक अर्हताएं हैं, हिंदी के लिए बीए, हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड अनिवार्य है, अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा एवं बीएड अनिवार्य है, गणित के लिए बीए या बीएससी गणित से हो, मैथ से हो और बीएड अनिवार्य हो, गृह विज्ञान के लिए बीए गृह विज्ञान और बीएड अनिवार्य है, उर्दू के लिए बीए उर्दू और बीएड अनिवार्य है, अंग्रेजी के लिए बीए अंग्रेजी और बीएड अनिवार्य है, संस्कृत के लिए बीए संस्कृत और बीएड अनिवार्य है, वाणिज्य के लिए बीकॉम और बीएड अनिवार्य है, कृषि के लिए बीएससी कृषि और बीएड अनिवार्य है, कला के लिए प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा एवं स्नातक अनिवार्य है, शारीरिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, सिलाई के लिए इंटरमीडिएट सीटी और इंटरमीडिएट में सिलाई सहित अन्य अथवा सीटी में सिलाई में विशेष योग्यता और सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 2 वर्ष के पाठ्यक्रम से पश्चात दिया गया सिलाई का डिप्लोमा अनिवार्य है, विज्ञान में भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ बीएससी और बीएड अनिवार्य है, समाज विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में बीए इतिहास भूगोल राजनीतिशास्त्र अर्थशास्त्र और इसके साथ ही बीएड अनिवार्य है, और संगीत गायन एवं संगीत वादन में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा है, जैसे भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर, गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद, माधव संगीत विद्यालय की ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और प्रवक्ता के ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की जो तिथि है 29 अक्टूबर,
ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि है 29 अक्टूबर। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि होगी 27 नवंबर। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी 27 नवंबर। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 30 नवंबर होगी। और इसमें टोटल 2595 प्रवक्ता के लिए आवेदन शुल्क जो है कुछ इस प्रकार से है। अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए ₹750, EWS के लिए ₹650, अन्य पिछड़ वर्ग के लिए ₹750, अनुसूचित जाति के लिए ₹450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250। और इसमें जो सीटें हैं प्रवक्ता बालक वर्ग में हिंदी में 363, गणित में 98, गृह विज्ञान में 2, अर्थशास्त्र में 143, इतिहास में 68, इंग्लिश में 269, कला में 49, नागरिक शास्त्र में 153, भूगोल में 250, मनोविज्ञान में 35, शिक्षा शास्त्र में 25, समाजशास्त्र में 67, संस्कृत में 232, जीव विज्ञान में 108, भौतिक विज्ञान में 148, रसायन विज्ञान में 160, शारीरिक शिक्षा में 11, वाणिज्य में 45, कृषि में 38, सैन्य विज्ञान में 10, तर्कशास्त्र में 7। इतनी सीटें हैं प्रवक्ता बालक वर्ग में। और आइए देखते हैं प्रवक्ता बालिका वर्ग में हिंदी में 47, गणित में 1, गृह विज्ञान में 11, अर्थशास्त्र में 28, इतिहास में 22, इंग्लिश में 28, कला में 27, नागरिक शास्त्र में 30, भूगोल में 8, मनोविज्ञान में 12, शिक्षा शास्त्र में 5, समाजशास्त्र में 11, संस्कृत में 34, जीव विज्ञान में 6, भौतिक विज्ञान में 10, रसायन विज्ञान में 11, शारीरिक शिक्षा में 2, संगीत गायन में 9, संगीत वादन में 12। तो इस तरीके से प्रवक्ता की सीटें रिक्त हैं जो कि विज्ञापन में दिया गया है। और इन प्रवक्ता के लिए सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप प्रवक्ता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें पीजी होना अनिवार्य है, उसमें पीजी होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही एक बिग ब्रेकिंग निकल करके सामने आ रही है जिसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव ने TGT बायोलॉजी को विज्ञापन में शामिल करने का आश्वासन दिया है, जो कि आज TGT PGT विज्ञापन के जारी होने के बाद सैकड़ों अभ्यर्थी TGT बायोलॉजी के अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के कार्यालय को घेरा। और उस दौरान कैंडिडेट्स ने, अभ्यर्थियों ने सचिव को ज्ञापन दिया जिनमें सचिव ने आश्वासन दिया है कि TGT बायोलॉजी को इस विज्ञापन में शामिल किया जाएगा और दोबारा संशोधित विज्ञापन निकाला जाएगा जिसमें TGT बायोलॉजी को सम्मिलित कर लिया जाएगा और TGT बायोलॉजी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको TGT और PGT बायोलॉजी की कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराऊंगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।